कैसा रहेगा साल 2019 एक नंबर के लोगों के लिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके डिजिट्स जो हैं डेट ऑफ बर्थ के उनका टोटल 1 आता है, सारे डेट मंथ और ईयर के डिजिट्स को मिलाकर कंप्लीट टोटल 1 आता है तो भी, और यदि सिर्फ डेट का टोटल 1 आता है तो भी, इन दोनों ही केसेस में जिसको नॉर्मली मूलांग जन्मांक के ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं हम, हमारी न्यूमरो वास्तु में हम लोग इनिशिएटर सस्टेनर वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों ही केसेस में आप लोग बाय बर्थ आप लोग डिसीजन मेकर्स हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है आपको जीवन के विषय में, आपको क्लैरिटी है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ पहुँचना है, और अथॉरिटेटिव नेचर होती है, लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दूसरों की तरफ सपोर्ट के लिए, दूसरों की सहायता के लिए आप लोग इंतज़ार नहीं करते, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, आप खुद अपने दम पे आप अपनी अपनी ही इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़ते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा स्वभाव एक नंबर के व्यक्ति का होता है। लेकिन साल 2019 में आपके लिए ये एक इंट्रोस्पेक्शन का और इम्प्रूवमेंट का ईयर है। यहाँ इस साल में आपको आपकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, आपका जो नेचुरल स्टाइल है काम करने का, आपको उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत होगी। आपको देखना होगा कि किस अप्रोच, जिस अप्रोच के साथ आप अभी तक चल रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या आपको सफलता मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो ये वो समय है साल 2019 जब आपके ऊपर आप प्रेशर भी फील करेंगे और आपको ऐसी ज़रूरतें हो जाएंगी जहाँ पे आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता होगी और आपको लाना भी चाहिए। जो लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे वो एक अच्छे बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये ईयर में आपको, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट एसोसिएटेड सेक्टर में हैं या आप प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, एक प्रेशर फील होगा अपने आप को चेंज करने का, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, अपने स्टाइल को, अपनी अप्रोच को बदलने का प्रेशर रहेगा। और इन जनरल भी जो लोग एक नंबर से संबंधित हैं वो लोगों को अपने जो भी डिसीज़न उन्होंने लिए हैं उसको, उसके ऊपर हो सकता है कुछ उनको गिल्ट का अनुभव हो, उनको लगे कि शायद हमने गलती कर दी थी पहले, पर अब वो समय है जब आप उसको सुधार सकते हैं। इस समय में, इस साल में जो आप डिसीज़न लेंगे उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ डिसीज़न लेने की आवश्यकता हो सकती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप पूरी तरह से अपने ही विचार से, अपनी इच्छा शक्ति से कार्य करेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है, पर यदि आपने अपने अंदर बदलाव लाया तो डेफिनेटली आपको वो एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएगा। स्पेशली जिनका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल कंप्लीट सारे डिजिट्स का मिला के 1 आता है, ऐसे लोग जो भी अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपने व्यवसायों में हैं या अपनी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, इन सब लोगों को इस साल में एक छोटा सा, एक ऐसा दौर आ सकता है, एक छोटा सा टाइम जहाँ पे एक बीच में हर्डल आएगी। राउंड द ईयर थोड़ा बहुत हर्डल्स रहने वाली हैं लेकिन एक टाइम आएगा, स्पेशली अराउंड 16th of January और 16th of September, एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक बिज़नेस में आपको एक हर्डल आ सकता है, एक चेक पॉइंट आ सकता है जहाँ पे एक ब्रेक लग सकता है और आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरह से बदलाव लाएं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, जिस जगह से आप ऑपरेट करते हैं या जिस तरह से आप काम करते हैं उसमें आपको बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं स्पेशली उनके लिए बात बोल रहा हूँ कि आपका रुझान अचानक इस साल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकता है, ऑकल्टिज्म की तरफ बढ़ सकता है। एक नंबर के व्यक्ति जो होते हैं वो नॉर्मली अपने ही विचार से प्रेरित होते हैं, लेकिन ये साल 2019 में आपको, आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ सकता है, और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो साइंसेज हैं इस तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है कि एज अ हॉबी आप इन सब्जेक्ट को स्टडी करें या इन नॉलेज टूल्स की मदद से आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें, ऐसा रुझान आपका डेवलप हो सकता है। ये साल आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, एक हेल्दी रूटीन्स मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। यदि आप स्पेशली अगर कोई हार्ट का एलिमेंट पहले रहा है या थोड़ा सा भी अगर हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं या हो सकते हैं तो आप उसको सीरियसली लें और ध्यान करें कि आपकी हेल्थ एक अच्छे बनी रहे, और उसके लिए आपको रेगुलर, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक पे जाना एक एक चीज़ हो सकती है, या अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो डेली करें, भले आप 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, लेकिन आप एक रूटीन मेंटेन करना ज़रूरी है। रूटीन्स अगर आप मेंटेन करेंगे तो ये साल आपका स्मूथ होगा, अदरवाइज़ जो लोग बिजनेस में हैं स्पेशली उनको भी हर्डल्स आते रहेंगे। इसके अलावा एक रेमेडियल मेजर के तौर पे आप अपने घरों के ईस्टर्न साइड से ब्राउनिश टोन जो है या रस्टी ब्राउन शेड्स जो हैं उनको ज़रूर आप हटा दें अगर वहाँ पे हैं। और इसके अलावा एक जो लोग भी कर सकते हैं, रिलीजियस एक कोई एक्टिविटी ऐसी करें
जहाँ पे फिज़िकली आपके शरीर को आपको तकलीफ़ हो, आपको डिसकंफर्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं दिल्ली के पास, गोवर्धन जी हैं, और वहाँ पे आप परिक्रमा करते हैं, पैदल वॉकिंग करते हैं 24 किलोमीटर्स की। तो इस किस्म की कहीं और जगहों पे भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं और आप पैदल चलते हैं, काफ़ी सारी लंबी वॉकिंग करते हैं। तो ये एक्टिविटी आप अगर करेंगे साल में, जितना ज़्यादा बार कर पाएँ, आइडियली आप उसको मंथली करें या जितना भी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। इस साल में बहुत हेल्प मिलेगी, जो हर्डल्स हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। इन दो बातों का ध्यान रखें। इन जनरल जो लोग गवर्नमेंट जॉब में चाहते हैं या दोज़ हुआ लुकिंग फॉर मैरिज, शादी के लिए आगे जाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, या फैमिली एडिशन के लिए भी सोच रहे हैं, तो अप्रैल और नवंबर ये दो मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो साल 2019 आप सब लोगों के लिए बहुत शुभ हो, बहुत आपके लिए उन्नति लेकर आए, बहुत सारी सफलताएँ लेकर आए, बहुत सारे खुशहाल समय आपके लिए लेकर आए। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस। Oh, 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 oh,